हे दोस्तों, सोचो एक दिन जब आप अपने घर वापस आए तो आपने देखा कि आपके कमरे में तो काफी लोगों के बोलने की आवाजें आ रही हैं। आपने जब दरवाजा खोलकर देखा तो अंदर चार पांच लोग बैठे हुए हैं। सभी लोगों ने अच्छे कपड़े पहने हैं और आप सबको अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन उनमें एक शख्स ऐसा भी है जिसकी उम्र करीब 50 से 60 वर्ष के बीच में है। उसने फटे हुए जूते, गंदे कपड़े पहने हुए हैं, जो देखने में बहुत बीमार सा नजर आ रहा है। यहाँ तक कि उसके सिर पर जो काले सफेद बाल हैं, उनमें तेल तक लगाया हुआ नहीं है। आप भी उनके बीच बातें करने के लिए बैठ जाते हो, और जब आप उस गंदे और गरीब जैसे दिखने वाले आदमी से पूछते हो कि आप क्या करते हो, तो वह आपको अपनी कहानी बताता है कि उसकी हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं, वह खुद है। जब वह कॉलेज में था तब बड़े बड़े सपने देखा करता था। कॉलेज पास होने के बाद जब उसने जॉब ज्वाइन की, लेकिन यहाँ भी सपने देखने बंद नहीं किए। सपनों में वह खुद को बहुत बड़ा आदमी बनते हुए देखता था। उसके पास पैसा हो, गाड़ी हो, अच्छा घर हो, सब कुछ हो, लेकिन इन सपनों को पूरा करने के लिए कभी कोई कदम नहीं उठाता था। बस वो सुबह शाम अपनी नौकरी किए जा रहा था। अधिकतर समय वो अपनी नौकरी को बचाने की तरकीबें सोचा करता था। ऐसा ही करते करते उसने 10 साल तक नौकरी की, लेकिन उसके पास बचत के नाम पर कुछ नहीं था। तनख्वाह के पैसों को वो अपने शौक पूरे करने में खर्च कर देता था। उसके पास महंगे मोबाइल फोन, अच्छे जूते, ब्रांडेड कपड़े सब कुछ हुआ करते थे, और तनख्वाह के आते ही वो फिल्म, पार्टी, सैर सपाटे में बिजी हो जाया करता था, और महीने के अंत में उसके पास कुछ नहीं बचता था। 10 साल नौकरी करने के बाद अचानक से सेशन आया और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अब उसके पास ना तो कोई नौकरी थी और ना ही अपने सपने पूरे करने के लिए पैसे। यहाँ तक कि पढ़ाई से टच खत्म होने के कारण वो कुछ और भी नहीं कर सकता था। अचानक से उसकी दुनिया बर्बाद हो गई। कुछ दिन तो अपने दोस्तों के रहमोकरम पर पलता रहा, लेकिन दोस्तों ने भी एक एक करके उससे किनारा करना शुरू कर दिया था। अब उसके पास घर जाने के अलावा कोई दूसरा चारा ना बचा था। घर जाकर वो अब घर वालों पर बोझ बन गया। कई साल ऐसे ही गुजर जाने के बाद जब उसकी उम्र 40 साल की हो गई, तो अब कंपनियों ने भी उसे इंटरव्यू के लिए कॉल करना बंद कर दिया। उसके पास पैसे नहीं होते थे, तो उसने पास के ही एक छोटे से स्कूल में टीचर बनकर बहुत कम तनख्वाह पर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसके सभी शौक खत्म हो चुके थे। उसे महीने में इतने पैसे मिलते थे कि बस वो अपना पेट भर सके, और आज उसे वहां काम करते हुए 10 साल हो गए हैं। और आज मेरी उम्र 50 साल है, यह कहते हुए उस गंदे और बीमार आदमी ने अपनी बात को वहीं विराम दिया। कहानी के अंत में आपको बताया जाता है कि यह बीमार बंदा कोई और नहीं, तुम हो, जो फ्यूचर से किसी तरह तुम्हें सिर्फ यह बात समझाने के लिए आया है। जब आप गौर करते हो तो कि अरे यह तो सच में मैं ही हूं, आपको यकीन हो जाता है। अब आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या आप अपने शौक पूरे करेंगे? क्या आप अपने सपने पूरे करना शुरू कर देंगे? क्या आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपका फ्यूचर बदल जाए, या इसके बाद भी कल से शुरू करेंगे, या अभी टाइम आने दो, या मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, इस तरह बहाने बनाते रहेंगे? क्या आप अपना टारगेट निश्चित करेंगे और उसे पूरा करना शुरू करेंगे? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ वीडियो शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें।